सेलिब्रेशन टीवी, इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। सामान्य परिस्थितियों में व्यायाम करना शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। इसे करने से शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जब कोई महिला गर्भ धारण करे तो व्यायाम करने से बेहद लाभ मिलता है। गर्भावस्था में व्यायाम करने से प्रसव के समय अधिक वेदना का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी को लेकर डॉक्टर कमलेश हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में क्रायोविवा के सौजन्य से एंटीनेटल क्लासेस का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से डॉक्टर रश्मि बावा ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव से संबंधित व्यायाम और खानपान संबंधित जानकारियों से अवगत कराया। डॉक्टर रश्मि बावा ने बताया कि व्यायाम करने के बाद स्त्री को पूरा आराम करना चाहिए। आंखें बंद करके उस अवस्था में लेट जाएं जिस अवस्था में अधिक आराम मिलता हो। इस दौरान अपने शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। अपने दिमाग से हर तरह की परेशानियों और चिंताओं को निकालकर लगभग मिनट तक आराम से लेटे रहें। ये अभी जो हमने यहाँ सेशन लिया है डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल के साथ, इसमें हम लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक गाइडलाइंस के लिए ये सेशन लिया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर सकें। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज और पोस्चर्स हमने सबको बताए हैं ताकि वो लोग डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ में इसको लें और एक नॉर्मल डिलीवरी हेल्दीली कर सकें। फाइन, इसमें हम लोगों ने जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, सर्वाइकल एरिया की एक्सरसाइजेज, या कि अगर गर्दन में वगैरह कुछ दर्द है, हाथों में दर्द होता है जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ लो बैक के लिए एक्सरसाइजेज, फिर बेबी को कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर अगर हमने बताया है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो आप प्रसव के दौरान करें तो आपको प्रसव में बहुत आसानी होती है, और कुछ ऐसे पोस्चर्स भी हमने साथ साथ सबको बताए हैं। कार्यशाला में मौजूद डॉक्टर अमित टंडन ने बताया, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम आपको प्रसव और शिशु के जन्म की मेहनत के लिए तैयार करता है। यह आपको गर्भावस्था के दर्द और पीड़ा से भी राहत देता है। हाँ, आज हम लोग ने जो एंटीनेटल क्लासेस है, जो उद्देश्य है इसका ऑर्गेनाइज करने का, यही है कि अब चूंकि सब लोग घर में न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली में होते थे, तो जो घर में बड़े होते थे वो सब काम करवाते थे। अब लोगों के यहाँ काम करना भी काफ़ी कम हो गया है। जब फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती है तो जब तक डिलीवरी का टाइम आता है ज़्यादातर लोगों को दर्द ही नहीं चालू होते, यूट्रस रेडी नहीं होता डिलीवरी के लिए, बच्चा नीचे नहीं आया होता है, तो जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो काफ़ी पेन्स अगर स्टार्ट कराने पड़े तो पेनफुल भी हो जाता है और लोगों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल की हमेशा ये कोशिश रही है कि पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनकी बॉडी को तैयार करना, जिससे कि उनको डिलीवरी के समय कम लगे और कम से कम तकलीफ़ हो, जिससे वो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी करवा पाएँ। तो उसी के अंतर्गत हम लोग हर महीने ये एंटीनेटल क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें रश्मि बावा जी दिल्ली से आती हैं और पेशेंट्स को इनक्रेज करते हैं और एक्सरसाइज अपने सामने करवा के हिम्मत बनाते हैं कि जिससे कि वो घर पे प्रैक्टिस कर पाए। वहीं डॉक्टर वैशाली टंडन ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिला को अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक परिवर्तन होने के कारण अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कसरत करने से पहले और कसरत करने के बाद भी पानी की बराबर मात्रा शरीर में होना आवश्यक है। ऐसे में ग्लूकोज वाला पानी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। एंटीनेटल क्लासेस हम लोग हर महीने अरेंज करते हैं पेशेंट्स के लिए, उनकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि टू प्रमोट अ वजाइनल नॉर्मल डिलीवरी। कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा डाइटरी शेड्यूल भी बताते हैं जो हेल्प करता है पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इस अवसर पर डाइटिशियन ने खानपान से संबंधित बताया कि गर्भावस्था में खासकर विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, ताजे फल जूस और उबला दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कार्यशाला के बाद गर्भवती महिलाओं के लिए एक फोटो सेशन भी रखा गया, जिससे इन यादगार लम्हों को वो सजा कर रखें। कार्यशाला में गर्भवती महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा गर्भावस्था में होने वाले व्यायाम तथा खानपान से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। सेलिब्रेशन टीवी, इवेंट्स ऑफ अ लाइफ।